मार्गदर्शी बैंक जिला परामर्शदात्री समिति की बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले दुर्घटना बीमा सहित अन्य बिंदुओं पर क्रमवार समीक्षा की गई तथा निर्देश किया गया कि शासन की योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुँचाया जाए जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके। इसके अलावा बैठक में बैंकों में अग्रिम एवं जमा की स्थिति, वार्षिक ऋण योजनाएं, वर्ष 2020-21 की समीक्षा, जमा खातों के आधार पर सीडिंग, PMGY खातों में रुपए कार्ड वितरण की प्रगति, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, शासकीय विभागीय ऋण योजनाओं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2020 और RCT द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण की वित्तीय साक्षरता की समीक्षा की गई। क्यों सारे बैंक कार्ड करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीजें आ रही हैं सामने जिसमें ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स हो सकते हैं, बैंकिंग फ्रॉड की हो सकता है, लोगों में कई अवेयरनेस कम हो कि फर्स्ट टाइम बैंकिंग कर रहा और उसके कारण वो ट्रैप में आ जाए। और आजकल सारा चीज़ें ऑनलाइन मार्केटिंग भी है, उसमें से भी कई बार हो जाता है, क्लोनिंग है आपके ATM कार्ड की, तो इस पर जरूर वर्क करें। और बाकी सबकी भी जैसे SBI की योनो ऐप है वैसे सबकी भी है, बाकी बैंक सबकी है ऐप, वो जो आपका ऐप वाला सिस्टम है वो काफ़ी सिक्योर मुझे लगा है, मैं भी उसको यूज़ करता हूँ, और प्रसार प्रसार करिए, ठीक है, थोड़ी सुधर गई है, 50% तक हो सकता है, लेकिन अमाउंट में थोड़ा सा कम, थोड़ा नहीं बहुत कम है। और बैंक ऑफ बड़ौदा 35% चीप किया आपने अभी तक, कैनरा बैंक 19, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 34 है उसका, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खुद ही बहुत कम है 18, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8, यूनियन बैंक 19, इंडियन बैंक 23 है इसका, इंडियन ओवरसीज बैंक 2% है, पंजाब एंड सिंध बैंक 0, यूको बैंक टारगेट है सर एक ही ब्रांच है इनकी शहर की है, अच्छा चलो ठीक, यूको बैंक 9% ही आपका, एक्सिस बैंक का अच्छा है इसमें 91% एक ही बैंक है जिसका सबसे आगे, बाकी सबका बहुत कम है सर। हाँ बोलिए क्यों कम आ रहा सर, एक्चुअली आउट ऑफ पोर्टफोलियो सर 5 या 6 ब्रांच हमारे रूरल के, अच्छा उसके अलावा सारी अर्बन और सिटी में कैसे कर रहे हैं। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक से बोल रहे, कैनरा सिंडिकेट बैंक एक ही है ना जी, और बताइए कौन सिंडिकेट बैंक से कौन जी, ये कैनरा बैंक से ही आते हैं सर, अगर आप आ भी रहे तो यही टारगेट अचीव करो, इसमें क्या कार्रवाई कर सकते हैं बताओ, एटीएम से क्या कार्रवाई हो सकती है, आपके 4 लोगों का एक मिशन कॉल किया गया था और जो 4 बैंक को आपने दिया था, ऐसा करिए इसमें ना कल DM साहब से एक लेटर लिखा दीजिए कि आज की मीटिंग में जो जो एब्सेंट है उसको सीरियसली ले रहे हैं, पिछली बार का भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, एग्रीकल्चर के नोट कर लो, एजेंडे में अचीव किया गया है, तो इसको आप लखनऊ भेजिए, DM साहब भेजे करते हैं, ठीक है, क्वार्टर में 40-45% है इस बार, उसका भी एकदम हाफ है, तो अगर आपका कोई वाकई में स्पेसिफिक जमीन रीजन है, ग्राउंड की कोई रियलिटी ऐसी है जो आप फेस कर रहे हैं, तो आप हमको बताएंगे तो उस हिसाब से हम उसको ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। अगर कोई जैसे अभी एलियन साहब ने कहा कि KCC का जो टिकट साइज है वो बहुत छोटा हो गया है, इसके अलावा कोई और ग्राउंड रियलिटी है तो वो भी बताइए, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा पुअर सिचुएशन अभी, जबकि गवर्नमेंट का इतना सारा एग्रीकल्चर पे फोकस है, KCC सैचुरेशन से लेके स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी तक है, फिर भी अगर GLC फ्लो नहीं हो रहा है तो उसका क्या रीज़न है, या तो आप कर नहीं रहे तो किसी रीज़न से, या तो आप करना नहीं चाहते, दो ही रीज़न हो सकता है, अगर रीज़न जो है जिसकी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो तो वो आपको बताना चाहिए इस मीटिंग में, वरना यही माना जाएगा कि आपको करना नहीं चाह रहे।